स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पीपे ट्यूटोरियल में। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपके बिहार पैरामेडिकल और पीएमएम 2024 की क्या कट ऑफ रहने वाली है और कितने रैंक के अंदर में आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, तो किस रैंक से कॉलेज अलॉट होगा, ओपन रैंक या फिर वुमेन रैंक। ज़्यादा रैंक वाले स्टूडेंट्स क्या करें, जीएनएम एएनएम फार्मेसी कट ऑफ क्या रहेगी इस पर। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दे रही हूँ कि जो भी गर्ल्स तो वो अपना वुमेन रैंक नहीं देखे, क्योंकि 2023 में भी आपका वुमेन रैंक से कोर्स अलॉट नहीं किया गया था। जब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया तो वो आपका ओपन रैंक से ही सीट अलॉट हुआ था, तो इसलिए वुमेन रैंक को ध्यान में मत रखिएगा, अपना ओपन रैंक से ही सारा कुछ देखिएगा, ठीक है। अगर वुमेन से होना रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन ओपन रैंक को ही आप लोग प्रेफरेंस दीजिएगा। ज़्यादा रैंक जिनका भी आ गया है तो वो अपने नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें, और क्या इस बार की कट ऑफ रहने वाली है उसके लिए हम लोग आगे इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। और आपको बिहार पैरामेडिकल या फिर बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक की अगर आप लोगों को काउंसलिंग करवानी होगी तो आप लोग हमारे टीम के द्वारा भी काउंसलिंग करवा सकती हो, और इसका फी जो है वो आपका 149 रुपीज़ रहेगी, और आप लोगों को 100% चांसेस रहेगा कि आपको कॉलेजेस मिल जाएगी आपके रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर इसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर 91 13 44 12 15 पर मैसेज करके ऑल इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग अपने इन्फॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं आपका जीएनएम एएनएम फार्मेसी या फिर बॉयज़ का जो भी रैंक होता है सारा कुछ के अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जीएनएम कोर्स जो कि ओनली गर्ल्स करती हैं, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट के तरफ से लड़कों लोग के लिए जीएनएम कोर्स नहीं होता है। तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए जो है वो अपना आप लोग अपना पीएम ओपन रैंक से देखिएगा। ओपन रैंक से अगर आप सभी लोगों का रैंक यूआर में 2500 रहेगा तो आप लोगों को इजिली जीएनएम कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड बात करते हैं आपका बीसी, बीसी कैटेगरी से अगर आप लोग हैं उसमें एक यूआर रैंक भी देगा, और साथ ही साथ आपका बीसी और बीसी के साथ ही आपका आरसीजी रैंक भी रहता है। तो अगर आप लोगों का यूआर रैंक या फिर बीसी रैंक या फिर आरसीजी रैंक तीनों में से कोई भी रैंक कम रहेगा तो उसी से आपका अलॉटमेंट उठाता है। तो फर्स्ट जान लेते हैं कि बीसी से अगर आपका 800 है तो इजिली आप लोगों को जीएनएम कोर्स मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। फिर थर्ड है आपका ईबीसी, ईबीसी से जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उनका 1000 के अंडर में रहेगा तो उनको इजिली जीएनएम कोर्स मिलेगा। एससी से आपका 900, एसटी से आपका 50 और आरसीजी जो कि बीसी में ही आता है तो आरसीजी से आपका 200। ईडब्ल्यूएस से जो भी कैंडिडेट्स आते हैं, ईडब्ल्यूएस वो स्टूडेंट्स बनवाते हैं जो कि जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ पे आपको 10% की रिजर्वेशन दी जाती है अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है। तो ईडब्ल्यूएस से अगर आपका रैंक 400 है तो आप लोगों को इसलिए जीएनएम कोर्स मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। और साथ ही साथ अगर दिव्यांग कोटा जैसे डीक्यू से अगर आते हैं तो उसके लिए आपको रैंक चाहिए 200। तो आप सभी लोग अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, तो अगर इतना कट ऑफ के अंदर आप लोगों का रैंक है तो आप लोगों को जीएनएम कोर्स मिलेगा। और जीएनएम में टोटल सीट्स की बात करते हैं तो वो आपका 1538 है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एएनएम कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो एएनएम कोर्स के लिए आपका कट ऑफ जो है वो यूआर से 7500, बीसी से 2000, एबीसी से 3000, एससी से 2800, एसटी से 180, ईडब्ल्यूएस से 1800, डीक्यू से 800 और आरसीजी से 550। और इसमें एएनएम में जो टोटल सीट है वो आपका 4530 है। इतना एएनएम की फुल सीटें हैं, तो आप लोग अपना रैंक के अकॉर्डिंग मिला लीजिएगी कि आप लोगों का कितना रैंक आया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका पीएम वॉयस का कट ऑफ क्या रहने वाली है 2024 में। तो वॉयस के लिए भी आप लोग ओपन रैंक ही उन लोगों का रहता है क्योंकि उन लोगों में वुमेन रैंक नहीं रहती है। तो इसमें अगर आपका यूआर से है तो यूआर से 5000, ईबीसी से 4000, बीसी से 2500, एससी से 850, ईडब्ल्यूएस से 650 और एसटी से आपका 60 और आरसीजी से 250। आरसीजी तो इसमें रैंक नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर रहता है तो उससे 250 रैंक तक रहेगा। तो आप लोगों को इजली फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसमें बहुत सारे कोर्सेस आते हैं, तो वो सारा कोर्सेस आप लोगों को इजली मिल जाएगा।
और अगर अच्छा कोर्स चाहिए, जैसे कि अच्छे कोर्स में आपका फार्मेसी आ जाता है, और डी फार्म, ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, ये सब कोर्स जो है वो कोर्स पैरामेडिकल में अच्छा माना जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और आप लोग अपने रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग आप लोग अपना कट ऑफ मिला लीजिएगा, कितना रैंक के अंडर में अगर रहेगा तो आप लोगों को इजिली वो कोर्स मिल जाएगा। और अगर आप सभी को काउंसलिंग करवाना होगा हमारे द्वारा, तो आप लोग काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। उसके लिए आपका जो काउंसलिंग का फी रहेगा वो 149 रुपीज़ रहेगा। तो जिनको भी करवाना होगा वो हमारे नंबर 91-13-44-12-15 पे आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।